दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 के छात्र हैं तो सामाजिक विज्ञान करने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल ना रियल प्रश्न पत्र। ठीक है, आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का या पेपर होने वाला है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का। ठीक है, कक्षा 10 के लिए आपको समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट का। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पेपर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक होता है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तृतीय क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ना, बिल्कुल ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पूंजीवादी व्यवस्था का गुण नहीं है? साधनों का, निजी स्वामित्व, निजी लाभ, कीमती यंत्र, सामाजिक कल्याण। तो राइट आंसर का जगह सामाजिक कल्याण। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? डी नंबर, बिल्कुल ना राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे, बिहार का अधिकतम जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? कृषि पर, उद्योग पर, सेवा पर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा ना, कृषि पर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, बैंक का एजेंसी कार्य है ऋण देना का, जमा स्वीकार करने का, बीमा का, किस्त भुगतान का, लॉकर सुविधा का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, गोवा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो 1991 में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव विकास में राज्य का सर्वोच्च क्या है? तो क्या है? तो केरल हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अल्मोनियम किस खनिज से संबंधित है? तांबा से, अवरक से, लौह आयोशक से, वॉक्साइड से। तो किससे? तो लौह आयोशक से। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ना, बिल्कुल ना राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरल में या झारखंड में। तो कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ना, बिल्कुल ना राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे, मनरेगा शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक में। तो कहाँ? तो राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ना, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ऊर्जा, शिक्षा, यातायात या संचार। तो क्या हो जाएगा ना? इसका ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 65 में, 75 में या 95 में। कब हुई थी? तो 1965 में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? बी नंबर ना, बिल्कुल ना राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, वैकलैंड आयोग संबंधित है समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, सतह विकास से, आर्थिक विकास से। तो राइट आंसर क्या होगा? आधारभूत संरचना से। चलिए आगे क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? इंदिरा गांधी में, राजीव गांधी में, अटल बिहारी वाजपेयी में, मनमोहन सिंह में। तो राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? ए नंबर, बिल्कुल ना राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो जनवरी 2015 में, जनवरी 2016, जनवरी 2017, फरवरी 2018, 2010। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? जनवरी 2016 में ना नीति आयोग का ना गठन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? DVKR वीराव ने, PVC मनलोविस ने, दादा भाई नरोजी ने, सी गोपाल राचारी ने। तो किसने लगाया था? तो DVKR वीराव ने। ठीक है, इनका नाम ही ऐसे दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? प्रोमोन यूनिस, ठीक है, आत्मेन सेन, पिमलस जलान, ठीक है, सी रंगराजन। तो राइट आंसर क्या? सिंह राजा रंगराजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ना, बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व से सांद्रण बढ़ा है? तो क्लोरोराइड से। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? बी नंबर, बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन के परिवर्तक कौन है? कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल ना
राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युतीय संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? शिवांग में, शिवम समुद्र में, दार्जिलिंग में, अगरताल में। कहाँ होती है? तो समुद्र, ठीक है। ऑप्शन बी आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? औरंगाबाद है, पूर्णिया है, पटना है, वैशाली है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल ना राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एथरसाइड, ब्यूट्रीमिस, ठीक है, लिग्नाइट, पीट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूट्रीमिस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? बी नंबर बिल्कुल ना राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मानसीराम में, चेरापूंजी में, गुवाहाटी में, अगरताल में। तो कहाँ होती है? तो मानसीराम में होती है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ना बिल्कुल ना राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजन है? तो सोन परियोजन, गंडक परियोजन, कोसी परियोजन, दामोदर परियोजन। तो कौन है? गंडक परियोजन है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ना बिल्कुल ना आपका ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते, अभी अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? 1902 में, 1904 में, 1910 में, 1919 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ना? 1904 में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ना बिल्कुल ना आपका ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, भारत का वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? दिल्ली को, पटना को, बेंगलुरु को या मुंबई को। तो किसको कहा जाता है? तो मुंबई को, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? डी नंबर ना बिल्कुल ना राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक का, सेवा का या विनिमय क्षेत्र का। तो औद्योगिक क्षेत्र का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मानवीय का आवश्यक है? तो क्या है? तो हॉलमार्क, ठीक है। ऑप्शन क्या? सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होता है 1986 में, 1980 में, 1987 में, 1988 में। तो 1980 में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को? सोन को, कोसी को, पूना को, गंगा को। किसको? कोसी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।